मेरा नाम अंकुश कुमार भदौरिया हुआ, मैं बायर सर्विस कंपनी का प्रतिनिधि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बायर सर्विस फेसबुक लाइव पेज पर। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस पेज पे जो शेयर बटन है आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके फार्मर के लोकल ग्रुप हैं, आपके जो किसान साथी हैं, सबके साथ आप इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए। इसमें हम टमाटर के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी जो भी मुख्य जो फसल है टमाटर, उसमें कौन कौन सी वैरायटी लगती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने किसान भाइयों के साथ इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए। तो मैं आप सभी किसान भाइयों का और सभी हमारे साथी बंधुओं का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन पर जुड़े। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं। मनीष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में आए। तो थोड़ा सा हमारा आपका परिचय हो जाए जो हमारे लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो धन्यवाद अंकुश जी, जो भी हमारे किसान बंधु हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं लाइव इस समय, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फेसबुक बायर सेमिज की तरफ से। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं बायर सेमिज में एज ए मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर कार्यरत हूँ पिछले 4 सालों से। मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जो भी किसान को फसलों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसका मैं निदान करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो मनीष भाई, जैसे बताया जो भी हम लोगों का इनका डेवलपमेंट का काम, जो भी नए ट्रायल आते हैं हमारे झारखंड में बिहार में, जो भी ट्रायल लगते हैं और अच्छी से अच्छी हाइब्रिड जो ट्रायल लगे और ज्यादा से ज्यादा उसमें कैसे उत्पादन हो सके, बीमारियों के प्रति सेंसिटिव हो, इस तरीके के ट्रायल लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे एरिया को कवर करते हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बायर सर्विस कंपनी का जो R&D है, आप बात करें हमारे पूरे भारतवर्ष में हम लोग 2 R&D हमारे जो भी करंटली एक्टिव हैं बेंगलोर और बनारस, वहाँ पर हम लोग टमाटर की फसल हो, मिर्ची की फसल हो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मतलब हर प्रकार का जो हमारा सब्जी का मुख्य फसल है उसका हम लोग नए ट्रायल्स लगा रहे हैं। और मुझे उल्लास के साथ, खुशी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी साल हमने अपनी 126वीं वर्षगांठ बायर सेमिज कंपनी ने भारत देश में जो हमारे 126 साल कंप्लीट हुए हैं उसकी अपेक्षा हमने मनाई थी। और मैं अपने सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि 126 साल ये आपका और एक कंपनी का हमारा एक भरोसा है जिसके बदौलत हम लोग बिल्कुल 126 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि बायर सर्विस कंपनी 170 देशों से ज्यादा अपने देशों में, चाहे सब्जी का बीज हो, चाहे धान का बीज हो, चाहे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड और भी फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयाँ आती हैं उसमें 170 देशों में ये अपने सेवाएं दे रही है। तो ये बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सभी लोग परिवार की इस कंपनी को जानते हैं। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है फिर से ज्यादा हमारे इस पेज को शेयर कीजिए, लाइव जो सेशन चल रहा है और जिससे हमारे बहुत सारे किसान भाई जुड़ सके। और एक चीज और अच्छी बात मनीष भाई, इस साल हम लोगों ने 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, जनवरी से लेके आपका हम करते मार्च 2024 तक जो भी कंपनी ने डेटा से साझा किया उसमें हमने 38,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ R&D पे खर्च किए हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कंपनी का जो विजन है, मतलब कि हेल्थ फॉर ऑल हंगर फॉर नन, मतलब सभी लोग स्वस्थ रहे और एक अच्छा खाना खाते रहे, तो मतलब यही कंपनी का एक विजन है। उसी विजन पे हम लोग 38,000 रुपए खर्च करके R&D में एक अच्छी हाइब्रिड हम लोग काम कर रहे हैं और नई नई जो ट्रायल्स लगते हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो रहा कंपनी का परिचय और मनीष भाई के परिचय का। मेरा परिचय में पिछले बता देता हूँ, मैं झारखंड में पिछले कई सालों से झारखंड में अपनी सेवाएं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनका प्रतिनिधि और एज ए टेक्निकल सेल्स मैनेजर मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। और मेरा जो संथाल पूरा परगना है मैं उसमें काम देखता हूँ बायर सर्विस कंपनी का। और मैं कंपनी के बारे में आपसे चर्चा हमने जो करी उसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा मनीष भाई, जब मैं झारखंड में इतने सालों से हूँ तो झारखंड का जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा। पिछले 5 सालों में जो झारखंड में बदला है, जो किसानों ने अपनी खेती करने का तरीके में अपना मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, जैसे बायर सर्विस कंपनी सिर्फ बीजा नहीं बेचती है वो तकनीक से बेचती है। तकनीक मतलब अच्छा नया टमाटर कैसे या नई गोभी, नया सब्जी का बीज कैसे बेहतर किसान की जिंदगी बना सके। तो यहाँ का किसान तकनीक के लिए बहुत वो मनीष भाई वो है,
तो तकनीक में मैं बताता हूँ, यहाँ का किसान अभी जो टमाटर की फसल है बहुत ज्यादा, यहाँ की मुख्य फसल हो गई है अभी, यहाँ किसान ज्यादातर टमाटर की खेती बहुत करता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है झारखंड का, आप जैसे इतने सालों से देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैंने भी देखा कि अगर झारखंड में बात करें, पूरे झारखंड में, तो अगर सब्जी में कोई ऐसी फसल हो जो मतलब सबसे बृहद मात्रा में लगती हो तो वो टमाटर ही है। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, सारी जगह किसानों को देखेंगे कि टमाटर चाहे वो 1 कट्टा लगा रहा हो, 10 ग्राम लगा रहा हो, चाहे 20 ग्राम लगा रहा हो, लेकिन टमाटर लगाता ही लगाता है। बिल्कुल सही बात है। इसी साल मनीष भाई हम लोगों कुछ किसान थे जो टमाटर बेचने लग पड़े, 80 लाख 1 करोड़ रुपए जिन्होंने हमारे क्षेत्र में कमाए। तो ये टमाटर मतलब इस साल जैसा रेट भी देखा जाए टमाटर का, बहुत ही अच्छा रेट चल रहा है और आने वाले समय में जो उम्मीद करी जा रही है टमाटर का रेट अच्छा ही रहेगा। तो मनीष भाई टमाटर का रेट भी अच्छा है, फार्मर भी लगाने वाला है टमाटर बहुत क्षेत्र में, और आपको क्या लगता है जैसे हम लोग किसान के जो अच्छी अच्छी हाइब्रिड है अभी बायर्स ने इस कंपनी की जो इस समय लग रही है और किसान को और हम लोग बता सकें, तो ऐसी आप हाइब्रिड आप हमको किसान के साथ साझा कीजिए, बताइए कौन कौन सी बेहतर हाइब्रिड हमारे पास इस समय। तो जैसा कि आपको भी आपने बताया ना, हमने देखा भी कि मतलब झारखंड में टमाटर की फसल है, तो इसमें हम लोग जो बात काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का जो विजन है हेल्थ फॉर ऑल हंगर फॉर नन, उसमें ये भी आता है कि हम लोग किसानों की आय को कैसे दोगुनी करें। बिल्कुल सही बात है। तो इसी क्रम में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी पिछले कुछ वर्षों से कई सारे संकर बीज बेच रही है जो कि बहुत सारे किसान लगाए भी हैं और उन्होंने अपनी आय को दोगुना भी किया है। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिन तक वो जो सूचना है पहुंच नहीं पाई उस संकर बीज के बारे में, जिससे कि वो अछूते रह गए, वो लगा नहीं पाए, जिससे कि उसका फायदा उनको नहीं मिला। तो आज हम लोग इस फेसबुक पे लाइव पेज के माध्यम से वो बताते हैं कि हमारे पास एक सक्षम संकर बीज है जो कि बरसात में जो टमाटर यहाँ पे लगता है वो मुख्यतः 2 सीजन में लगता है, एक तो बरसात में और एक गर्मी में। तो जो बरसात में टमाटर लगता है वो जुलाई अगस्त सितंबर में लगता है, तो उसमें हमारे पास संकर जो बीज है उसका नाम है सक्षम। सक्षम टमाटर, हाँ सक्षम, ये जुलाई अगस्त सितंबर में भी किसान लगाता है और इसको अक्टूबर छोड़कर के नवंबर से लेकर के नवंबर दिसंबर जनवरी भी इसको लगाता है। ये ऐसा एकमात्र संकर बीज है सक्षम जो कि मतलब अगर कहा जाए तो पूरे साल आप इसकी खेती पूरा साल आप, हाँ इसीलिए किसानों के लिए इसमें ये फायदे की बात है कि ये जो गर्मा में जैसे बरसात में तो ठीक है टमाटर चल जाता है, लेकिन गर्मा में जब गर्मी का समय आता है, जब ये नवंबर समय लगता है, जब मार्च अप्रैल में टूटने के लिए तुराई होती है, तो उस टाइम अगर इसका छिलका मोटा नहीं रहेगा, अगर मतलब इसका कहे जो हमने जिसको कहते हैं जो कठोर पर अगर वो ज्यादा नहीं रहेगा तो वो किसानों के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि वो बाजार मंडी तक बेचने जाएगा तो वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर 25 किलो का कैरेट ले जाता है तो उसमें से उसका 10 किलो नुकसान हो जाता है। तो और सपोज मानिए अगर व्यापारी खरीद भी लेता है तो वो अगर दूसरे मंडी में ले जाता है तो उसको भी नुकसान होता है। इसीलिए किसानों की पहली जो पसंद है वो है सक्षम, और इसका नाम भी आप देख रहे हैं सक्षम है, तो ये बरसात हो या गर्मी किसी भी मौसम में लगाने के लिए सक्षम है, इसीलिए इसका नाम है सक्षम। और इसकी जो हम आपको ये बता दें कि ये मेन खेत में रोपाई के बाद 60 से 65 दिन के बाद टूटना स्टार्ट होता है और एकदम गहरा लाल रंग का इसका फल होता है, और जो इसका औसतन वजन होता है वो 100 से 110 ग्राम का होता है और पूरा ये गोल एकदम चपटा देसी टमाटर है। ये बात बिल्कुल सही बोली सक्षम के बारे में, मैं भी आपको अपना अनुभव साझा करूंगा। हमारे अगर बात करें सक्षम एक इतना अच्छा हाइब्रिड है जिसको मतलब किसान ये बोल रहे सर ये आपका सचिन तेंदुलकर है आपकी टीम का, मतलब जब बोलो सर चलता है और एकदम बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सक्षम, चाहे उत्पादन की बात करें, चाहे चाहे आपने बोला कि ठोस यानी चमड़ी उसकी इतनी मोटी है, एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब किसान अगर दूर भेजना चाहता है इसको, अगर आपको दिल्ली भेजना है, क्या कहते हैं कश्मीर भेजना है, तब तक वो टमाटर टिक जाएगा, इतना अच्छा इसका वो है। और एक अच्छी चीज जो आपने लास्ट में बोली इसका आकार,
एकदम देसी चपटा जो आकार हम लोग को चाहिए रहता है, जो बाजार में क्या कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, वो पूरा इसका आकार है सक्षम का। और बाकी ऑलराउंडर है ही ये, जिससे आपका पूरा सालों भर का टमाटर है सक्षम, और उत्पादन में अच्छा है, फलन में भी बहुत अच्छा है। तो झारखंड में बहुत सारे किसान भाई इसको लगाते हैं, कुछ ऐसे मार्केट है जहाँ एक तरफा पूरा सक्षम चला। हाँ बिल्कुल, ये मैं तो आपकी इस बात पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा ये तो हो गया सक्षम का जी। सक्षम के साथ हमारे पास एक और संकर बीज है जिसका नाम है अभिलाष। हाँ जी अभिलाष। अभिलाष नाम से आप समझ गए होंगे कि ये जो अभिलाष की जो खूबी है, ये किसान जुलाई से उठा करके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसको लगा सकता है, लगाता भी है। क्योंकि जब किसान बारिश कम हुई या ज़्यादा हुई, थोड़ा मौसम लेट हुआ, तो कुछ मान लीजिए खेती जो है एक तरह का जुआ है, वातावरण जो भी है साथ नहीं दिया, तो किसान कुछ अक्टूबर में भी सोई करता है, बुआई करता है, नवंबर भी करता है। लेकिन अभिलाष एक ऐसा टमाटर है जो कि किसान पूरी तरह से इस पे विश्वास है किसानों को कि ये अक्टूबर नवंबर में जब लगता है और सारे टमाटर, तो उनको पाला मार देता है। हाँ, पाला का बहुत। लेकिन हमारा अभिलाष में इतनी खूबी है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगाने की किसी भी महीने में आप लगा सकते हैं, और अभिलाष इतना फलन क्षमता वाला दूसरा कोई टमाटर भी नहीं है किसी कंपनी के पास। और अभिलाष को जब अक्टूबर नवंबर में किसान लगाता है, तो जो उस टाइम पाला गिरता है, आपने देखा होगा बिहार झारखंड यूपी में जो ठंडा होता है कि आदमी भी बाहर नहीं निकल पाता, बिल्कुल सही, 15-20 दिन तक ऐसी ठंडी होती है, उसमें भी अभिलाष 24 घंटे बाहर ही रहता है, खेत में रहता है, और फिर भी उसको पाला नहीं मारता, और किसान उसी तरह तुड़ाई करता ही रहता है जो कि फरवरी मार्च तक लगातार तोड़ता है। ये बात आपकी सही बोली बिल्कुल। अभिलाष हम लोगों के मतलब लंबे समय का खिलाड़ी है, जो आप जिसकी तुड़ाई एक बार जैसे 70-75 दिन में ये तैयार हो जाता है, और पूरा आप उसको लंबे समय तक जो अभिलाष की खूबी है कि ये मेन खेत में रुपाई के बाद 70 दिन में टूटना स्टार्ट होता है, 70 दिन के रुपाई के बाद टूटना स्टार्ट होता है, जो इसका वजन है 110-120 ग्राम तक जाता है, और एकदम गहरा लाल आकर्षक रंग का फल होता है। फलन क्षमता पौधे में तो इतना फल लगता है कि किसान अगर उसको स्टेकिंग अगर वो दे रहा है ना, बांध रहा है तो उसको दोबारा बांधना पड़ता है, नहीं तो गिर जाता है। बिल्कुल सही बात, फलन क्षमता है इसकी। अभिलाष की एक बात, एक तो फलन क्षमता लंबे समय तक तुड़ाई दे रहा है, दूसरा इसका आकार, आकार भी मुझे बड़ा मनीष भाई इसका खूबसूरत लगता है, एकदम गोल आकार जैसे बॉल होती है हमारे, इसके अंदर इसका आकार है गोल, और बाकी चमड़ी इसकी भी बहुत शानदार है। तो अभिलाष देखिए ऐसे ही कंपनी मतलब बात करी जैसे हम लोग टैग लाइन है अभिलाष के लिए कि 10 साल बेमिसाल, मतलब अभिलाष 10 सालों से आज भी भारत देश में नंबर 1 टमाटर। अरे ये तो आपने बताया ये 10 साल बेमिसाल, ये मैं बता दूं कि झारखंड ही नहीं, भारत देश के जितने भी राज्य हैं जहां बरसात में टमाटर लगता है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हर जगह किसान की जो पहली पसंद है वो है अभिलाष। अभिलाष मतलब सारा बड़ा किसान हो अपना जितना भी, वो अभिलाष टमाटर की खेती बिल्कुल जरूर करता है। और मतलब ये एक ऐसा टमाटर है जो मतलब आपको ऑलराउंड करेगा, आपको मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, फलन क्षमता बहुत है, लंबे समय तक आप इसकी तुड़ाई ले सकते हैं, और कहीं भी आपको इस अभिलाष में दिक्कत नहीं आती। सबसे मेजर जो आपका पाला पड़ता है, जो आपने बात बहुत सही बात करी कि सर्दियों में हमारा अपने अगर बात करें झारखंड बिहार एमपी यूपी राजस्थान, इधर आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है सर्दियों में वो 2 डिग्री तक चला जाता है, पर उस समय भी अगर कोई टमाटर में तुड़ाई कर पा रहे हैं तो वो है अभिलाष। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये तो मनीष भाई अभिलाष के बारे में बहुत अच्छी चर्चा करी, अभी हम लोग देख पा रहे हैं कुछ 2-3 वर्षों से किसान की जो भी टमाटर लगा रहे हैं उसमें क्षमता की शिकायत आ जाती है। तो जैसे मैं किसानों से जब भी जाता हूँ मुलाकात करता हूँ तो बोलते हैं कि सर 2-3 प्रकार के सर मरने की शिकायत हम लोग जो देखते हैं, एक तो सर जड़ में गांठ पड़ जाती है, एक तो सर एक फुजेरी बिल्ड की वजह से कुछ नया है, चलो वो तो दवाई रोग नाम से हो जाएगा, पर एक जो बैक्टीरियल बिल्ड की समस्या आ रही है मनीष, उसमें बड़ा किसान परेशान हो रहा है। उसमें बोलते हैं कि सर हम लोग टमाटर लगाते हैं, बारिश का पानी आता है या हम लोग पानी छोड़ते हैं तो रातों रात हमारा टमाटर का पूरा खेत खाली हो जाता है, तो उसमें हमारे पास कोई एक अच्छी हाइब्रिड आप है तो वो हम
हमारे किसान भाई को जरूर बताइए। अपने पास अंकुश भाई है ना, वैसा है भी। कौन सा मनीष भाई? अरे इसका नाम है कौशल। जी हाँ, कौशल टमाटर। कौशल एकमात्र ऐसा टमाटर है जो कि बैक्टीरियल विल्ट में भी खड़ा रहता है, एकदम लड़ता है। क्योंकि किसानों के पास जो सबसे बड़ी समस्या है विल्ट के लिए, कि किसान को अगर पता नहीं है कि उस खेत में विल्ट आता है, तो वो पता चलता है कि सारी मेहनत कर लिया, रुपाई कर लिया, लेकिन जब वो टमाटर फल फूल में पहुंचा, उस टाइम मुरझा जाता है, मर जाता है। ऊपर से मुरझाना शुरू होता है, पत्तियां पीला पड़ना शुरू पड़ी और मुरझाया और मर गया, जिसके कारण किसान माथे पे हाथ रख लेता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर वैसी समस्या है किसान के खेतों में, तो आप वहां पर कौशल बोलिए। अगर किसान कौशल लगाएगा तो जहां दूसरी वैरायटियां बिल्कुल खत्म हो जा रही है, 100 में से 100 पौधे, वहां कौशल 100 में से 80 पौधा जिंदा रहेगा, केवल 20 पौधा ही खत्म होगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि 20% ही कौशल का मतलब नुकसान होगा पौधे का, मतलब बाकी 80% ये टमाटर देता रहेगा और उसमें क्या कहते हैं फूल फल बनता रहेगा। हाँ, क्योंकि कौशल में विट रोग से लड़ने की क्षमता है, उसको उसी के लिए ही बनाया गया है। और इसीलिए कौशल जब लगता है मेन खेत, रुपाई होती है तो 60 से 65 दिन के बाद टूटना भी शुरू हो जाता है। और फलन क्षमता क्या बात करना, फलन क्षमता तो भरपूर है, कम से कम एक एक पौधे में 70-70-80 फल एक बार में लगते हैं। और जो उसका फल का साइज है वो 90 ग्राम के आसपास होता है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा कौशल में जब मनीष भाई मेरे ऐसी आप अभी थोड़ी हमारी मीटिंग सुने थे, डिस्कशन हो रहा था पहले कि जो कौशल टमाटर है, अगर उसमें आप एक चीज का ध्यान रख लें, मतलब कि आपकी जो दूरी रखे पौधे से पौधे की, अगर 1.5 फीट मिनिमम, पौधा से पौधा 1.5 फीट का दूरी रखिए और मेड़ से मेड़ का भी आप 1.5 फीट का दूरी रखिए, मिनिमम 2 फीट तक आप रख सकते हैं। उसमें क्या होगा, हवा पास होगी मतलब पौधे के बीच में, और उसमें और ज्यादा आपको उत्पादन मिल जाता है। ऐसा मतलब अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, हमें यहाँ पे पता चला कि कौशल इतना बढ़िया टमाटर है और कुछ क्षेत्र में अभी हम लोगों ने इसको लगवाया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया इसका कौशल टमाटर का। कि अगर बैक्टीरियल विल्ट की जहाँ समस्या है, जहाँ फूल और फल अवस्था में जब क्या कहते हैं पौधा आ रहा है, जब फल आने वाला होता है, अगर उस समय टमाटर मर रहा है और क्या कहते हैं रातों में खेत खाली हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरियल विल्ट की जहाँ समस्या है, वहाँ आप कौशल टमाटर जरूर लगाइए। तो मेरा कौशल टमाटर से ये ना अंकुश जी, आपने जो बताया ना कि मतलब कौशल जिसको लगाना है थोड़ा दूरी पे ध्यान दें जी, तो ऐसा इसलिए भी है कि जो ये विल्ट की समस्या है ये खेतों में ही रहती है, इसके जो विषाणु है वो खेतों में ही रहते हैं, जब उनको थोड़ा नमी मिलती है तो वो काम करना शुरू कर देते हैं और पौधों में जाकर के उनका जो जाइलम मतलब तंत्र होता है, जिसमें कि वो कुछ भी पानी वगैरह लेकर के भोजन बनाने कार्य करते हैं, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण की लेकिन अगर थोड़ा स्पेस रहेगा, थोड़ा मिट्टी खुली रहेगी, तो उसमें अगर धूप पड़ती है ना, तो जो धूप से उनके विषाणु थोड़ा इनएक्टिव होते हैं, कम काम करते हैं, तो नुकसान कम होता है। बहुत अच्छी बात मनीष भाई, बहुत अच्छा प्रकाश डाला आपने कि कैसे हमें कौशल की खेती करनी चाहिए। अच्छा मनीष भाई देखिए, हमने अभिलाष के बारे में बताया कि अभिलाष एक ऑल राउंड टमाटर, वो भी बहुत अच्छा है। सक्षम के बारे में बताया कि पूरे साल भर हमारा जो सक्षम टमाटर लगता है देसी चपटे में। कौशल के बारे में बताया, बैक्टीरियल विल्ट की समस्या, और हमारे कुछ अभी कुछ छोटे छोटे किसान भाई भी हैं जो मतलब जिन्होंने अभी खेती करना शुरू किया है, और जिनको कुछ हमारे ऐसे कुछ किसान भाई भी जो बाहर अपनी नौकरियां छोड़ के आए हैं और जो खेती में अपना समय बिता रहे हैं, तो थोड़ी कम जानकारी के अभाव से वो लोग टमाटर में उतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, या उनका गाछी जब मतलब जो आपका पौधा है गाछी का वो 2-3 पत्ता की अवस्था में मरने लगता है, तो इस प्रकार की बीमारी आती है, कुछ आपको झुलसा रोग आता है बरसात में या ठंड में, तो उसमें मरीज में कुछ आप थोड़ा प्रकाश डालिए और उनको हमारे किसान भाई को क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए जब वो टमाटर की खेती करते हैं। सबसे पहले टमाटर की खेती में जो एग्रोनॉमी के बारे में आप बताएंगे, तो सबसे पहले होगा आप अच्छे बीज का चयन कीजिए। बीज के बारे में हमने आपको बताया, अब क्या क्या बातों का आपको लोगों को ध्यान रखना है टमाटर लगाते समय, वो हमारे मनीष जी आपको बताएंगे। मनीष जी देखिए अंकुश जी, जैसा कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं, किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए जो उसकी नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, जिसमें कि बीज चयन होता है। जो अगर अच्छा बीज होगा तभी वो जाकर के अच्छा फल फूल दे पाएगा। अच्छा बीज तो हमने बता दिया, इसके लिए अच्छा बीज हमने बताया सक्षम अभिलाष कौशल। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो
जो भी नर्सरी वाली फसलें हैं, जैसे टमाटर नर्सरी वाली फसल है, टमाटर को नर्सरी में पहले डालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो सीड है बीज उसमें उसको बायर के पास एक दवा आती है काउचो, उससे उपचारित करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो मिट्टी से ही उत्पन्न होती हैं, हमको खुली आंखों से दिख नहीं पाती, लेकिन अगर उसको हम माइक्रोस्कोप या लैब में देखें ना, तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, जो कि बाद में अपना होस्ट पा के अपना पौधों को अपना भोजन मांग करके और एक्टिव हो जाते हैं, कार्यरत हो जाते हैं। इसीलिए उनको हमें मिट्टी में पहले ही निष्क्रिय करने के लिए अपना बीज दर बीज उपचारित करना है जी। तो गाउचो को 10 ml पर केजी के हिसाब से हम लोग उपचारित करते हैं, और पहले तो इसको उपचारित किए मिला लिए, उसके बाद उसको आधे घंटे के कहीं भी छाए में सूखने के लिए रख देते हैं बीज को। जब वो सूख जाता है तो उसको हम लोग नर्सरी करते हैं। नर्सरी में भी आजकल एक तो ट्रे वाली नर्सरी हो गई, वो भी कर सकते हैं, जिसमें कि जो बीज का जनरेशन परसेंटेज होता है बहुत अच्छा होता है, और उसमें चूंकि कोई भी मिट्टी का यूज नहीं होता, जिसके कारण कि जो भी मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो नहीं लगती हैं। अगर किसान के पास वो सुविधा नहीं है तो हम लोग खेतों में ऊंची मेड़ जैसा बेड़ बना लेते हैं, और उस पर करना चाहिए बरसात के सीजन में, और हमको पन्नी भी कवर करने के लिए, अगर बरसात का मौसम में कर रहे हैं तो हो सकता है अचानक बारिश हो जाए, इसके लिए हमको एक आकार बना देना चाहिए लोहे का या बांस का, और ऊपर से पन्नी से ताकि कवर कर सके अगर बरसात हो। उसको जब हम बीज डाल देते हैं तो उसमें टमाटर में जब 2 से 3 पत्ते के आसपास हो जाए, 7-8 दिन जब 2 पत्ता आ जाए, तो उस टाइम एक फंजीसाइड, जो कि उस टाइम बरसात के टाइम में ज्यादा बारिश भी होती है, मौसम में नमी भी होती है, तो क्या होता है कि फंगस की वजह से जो मिट्टी के पास जो जड़ होती है, तना होता है, वहां पे काला पड़के वो गिरने लगता है, जिसको कि बीमारी का नाम है डैम्पिंग ऑफ। और सबसे ज्यादा किसानों को जो नर्सरी में नुकसान होता है किसी भी बीमारी से होता है, तो उसके लिए बायर के पास एलिएट नाम की दवा है, जो कि नर्सरी के रामबाड़ है, वो केवल नर्सरी के ही है वो दवा, और उसको 3 ग्राम पर लीटर पानी में से स्प्रे कर देना है, फिर उसके उसको ट्रांसप्लांट में तो बचा ले नहीं अभी नहीं, क्योंकि फिर 10 से 12 दिन जब हो जाए तो बहुत टाइप के कीड़े भी लग जाते हैं। ये तो आपने फंगस से बचाया, अभी बहुत सारे कीड़ों का भी अटैक होता है नर्सरियों में, क्योंकि हरे पत्ते हरे मुलायम मुलायम पत्ते रहते हैं, बहुत सारे कीड़े अटैक करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को एक बायर के पास एडमायर नाम की दवा आती है 2 ग्राम के पैकेट में, हम पाउच आता है पाउच, तो वो किसानों के लिए काफी आसान भी है और सस्ता भी है, उसको लेकर के स्प्रे कर देना चाहिए। उसके बाद जब 20 से 25 दिन का नर्सरी हो जाए तो पौधा स्वस्थ रहता है, क्योंकि अगर नर्सरी स्वस्थ है तो मेन खेत में जाने के बाद वो बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होगा, जैसे अपना सक्षम टमाटर है, तो वो उसको 20 से 25 दिन बाद मेन खेत में रोपाई कर देना है, और उसके बाद उसको जब भी 20 से 25 दिन का फिर से वो हो जाए, जब उसमें फ्लावर फूल आने की अवस्था आने वाली हो, उस टाइम उसको हम लोग को अच्छे उपज लंबे टाइम तक लेने के लिए उसको खूंटे से लटकाना चाहिए, मतलब स्टेकिंग करने खूंटा देना चाहिए, ताकि जिससे कि बरसात का सीजन है, टमाटर अगर जमीन को छुएगा फलन फल आएगा जमीन को छुएगा तो किसानों का बहुत नुकसान होता है, और अगर वो हम स्टेकिंग दे देते हैं तो पूरा किस जो बरसात में अगर बारिश भी होती है तो नालियों से पानी बह जाए पानी बह जाएगा, या हमको सिंचाई करना है तो भी नाली में करने में आसान रहेगा, वो जो टमाटर है वो जमीन को नहीं छुएगा, तो उसमें जो भी गलने की समस्याएं होती है वो नहीं होगी। नहीं बिल्कुल सही, आपने सही बात बताई। और एक और चीज मनीष भाई, और एक अंकुर जी बात हूँ, जैसे कि हमें जो भी नए किसान भाई खेती करना शुरू किए, तो ये तो हो गया कि टमाटर मर रहा है, तो ऐसा नहीं कि केवल बीट से ही मरता है, आजकल बहुत सारे जमीनों में एक निमेटोड देखा जा रहा है, जो कि दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन अगर
गोभी फल फूल में जाके जब सूखना शुरू होता है तो उखाड़ के देखना चाहिए, अगर जड़ में गांठ बन रही हो तो उसको हम लोग को बायर के, एकमात्र बायर के पास ऐसी दवा है वेलम प्राइम, जिसका यूज करना चाहिए, ड्रेंच करना पड़ता है 500 ml पर एकड़ उसका डोज है। तो जो भी नव हमारे नवयुवक किसान बंधु है ये जरूर थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जैसे कि आपने बताया और एक चीज, आप लोग डीएपी का भी, उसमें पोटास का भी आप लोग इस्तेमाल करें, जिसमें आपका पोटास एक काम करता है आपका संचालक रूप से कि वो फल और फल को सुंदर बनाता है, उसका वजन भी बढ़ाता है, तो सब डीएपी का भी आप लोग प्रयोग कीजिए जिससे आपका टमाटर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे पाए। चलिए मनीष भाई आपने बहुत अच्छे से बताया टमाटर के बारे में, उसमें क्या क्या खादों को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पिछले वर्ष हमने सक्षम में मनीष भाई लकी ड्रॉ स्कीम निकाली थी फार्मर के लिए। अच्छा, फार्मर किसानों के लिए, किसानों के लिए। और विश्वास नहीं करेंगे मनीष भाई कि हमारे झारखंड में बालूमाथ लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर बालूमाथ ब्लॉक आता है, वहां पर हमारे किसान भाई बाइक जीता है, मतलब जो मोटरसाइकिल जीता, और वो भी उसको कुछ नहीं, शोरूम में गया उसको बिल्कुल एकदम बड़ी तैयार बाइक मिली, वो अपना बाइक लेके आया घर पे, उसने खूब खुश हुआ, वो सक्षम टमाटर लगाने की वजह से उसको बाइक मिली। और हमने कम से कम 30 से 40 मोबाइल फोन बांटे, हमने 30 से 40 क्या कहते हैं आपकी साइकिलें बांटी, और उसमें हमने आपका स्प्रेयर भी 30 से 40 स्प्रेयर बांटा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमने झारखंड में दिया। और ये किसान कैसे जीता, लकी ड्रॉ स्कीम। तो क्या अंकुश जी ये मतलब सच, इतना तो मैंने किसानों को आज तक तो किसी कंपनी ने दिया इतना मैंने कभी नहीं सुना था। मनीष भाई हमारे किसान वही है कि हमारा विश्वास है किसानों को, और किसान हमारे ऊपर जो विश्वास दिखाता है, तो ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ किसानों के लिए बेहतर के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। बट ये तो रही पिछले साल की बात की सर आपने साइकिल दे दी, बाइक दे दी, मोबाइल फोन दे दिया, सर इस साल भी क्या हम लोग को दोबारा देंगे? तो इस साल हम लोग सक्षम में फिर से एक बार लकी ड्रॉ लेकर आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सक्षम में नहीं है, ये कौशल और कौशल टमाटर और सक्षम दोनों में ही है ये, जिसमें आपको एक जब आप सक्षम और उसका पैकेट खरीदते हैं कौशल टमाटर का, आप उसमें क्या कहते हैं फिर से जी सकते हैं, साइकिल, आपका मिक्सी और फ्रिज, इस तरीके तरह तरीके के। और ये पोस्टर हमने आपके जो नजदीकी दुकानदार है वहां पर लगा दिए हैं, ये सिर्फ झारखंड के किसानों के लिए है। तो जो पैकेट के पीछे आप जैसे सक्षम का पैकेट है, इसके आप पीछे देखेंगे ये एक लेबल आप देखेंगे, यहाँ पर डिटेल लिखी है, इसके सबसे ऊपर आप देखेंगे एक लेबल नंबर लिखा है, 12 अंक का ये नंबर होगा, आपको एक फोन नंबर दिया गया है, वो फोन नंबर है आपका 70702609194 पे आपको मैसेज करना है लेबल नंबर, और उसका मैं फिर से नंबर बता देता हूँ, आपको लिख सकते हैं आप लोग 70206091945, ये नंबर है, आपको उस पर मैसेज करना है इस पैकेट के पीछे दिया हुआ नंबर, लेबल नंबर। और ये किस किस में स्कीम है, सक्षम और कौशल टमाटर में। तो किसान भाइयों मैं भी चाहता हूँ कि आप भी विजेता बने, और आप भी कहते हैं एमएसपी की स्कीम का फायदा उठाएं, बाइक भी जीते, मिक्सी भी जीते, और फ्रिज भी जीतने का मौका है आप लोगों के पास। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर इस चीज का लाभ उठाइए, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और आप इसके लाभार्थी बनिए जैसे कि हमारे बाकी किसान भाई बने, और इस सक्षम और कौशल टमाटर में। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन से जुड़े। मनीष भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए, हमारे बीच में आए, और किसानों के साथ हमारे टमाटर की हैबिट्स के बारे में चर्चा करी, चाहे वो सक्षम हो, चाहे अभिलाष हो, चाहे कौशल हो, और बीमारियों में हम लोग क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लकी ड्रॉ के बारे में मैंने जैसे आपको बताया सक्षम और लकी का, इसका लास्ट डेट है आपका क्या कहते हैं 31 अक्टूबर तक, आप उसको नंबर को मैसेज कर दीजिएगा, लेबल नंबर जो दिया हुआ नंबर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े लाइव सेशन में बायर्स एमएनएस के, और नेक्स्ट टाइम हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।